हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए मोहम्मद आसिफ पाकिस्तानी ग्लेन मैकग्रा स्विंग एंड स्वीम का रिएक्शन। एंड ये जो वीडियो है इसमें बताया गया किस तरीके से लाइक मोहम्मद आसिफ की बहुत कमाल की बॉलिंग होती है। एंड लाइक देखा हुआ है, लाइक एज एन इंडियन हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है। उनका बेस्ट बॉलिंग तो मैंने 2007 में ही देखी थी, इंडिया वर्सेज जब पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप था, और उसमें किस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की थी। लाइक उनके 4 ओवर खत्म होने का मैं वेट कर रहा था कब खत्म हो, और फिर उसके बाद कहना कि थोड़ा आराम मिला। एंड लाइक उनको ग्लेन मैकग्रा के साथ मैं नहीं रखना चाहूँ। ग्लेन मैकग्रा का तो किस लिए जाने जाते हैं, वो अपनी एक बोल सकते हैं एक सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, कि वो एक जगह पे सोच ले तो वहीं पे 25 बॉल डाल सकते हैं, वो उस तरीके के बॉलर थे। पर मोहम्मद आसिफ का तो मैं ये कहना चाहूँ, उनको जिस तरीके से जाना था वो स्विंग एंड सीम के लिए जाना जाता है, कि जहाँ मर्जी हो वहाँ घुमा सकते हैं। बॉल को लहराते थे वो, स्विंग नहीं कराते थे, बिल्कुल लहराते थे, कभी इधर कभी उधर, उस तरीके से था। तो देखते हैं फिर इस वीडियो में क्या है। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने इनको कभी खेलते वक्त नहीं देखा, क्योंकि ये 2005 से 2010 के बीच में है और मैं 2002 में बॉर्न हुई हूँ तो मैं 3-4 साल की थी, तो मैंने नहीं देखा इनको कभी भी खेलते वक्त। और इन्होंने सिर्फ 5 साल ही खेला है, और उसके बाद ये इनको मैच फिक्सिंग की वजह से ये इनको बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद ये शायद वापस आए थे और उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और ये बहुत ही कमाल के बॉलर है ऐसा मैंने सुना है, बाकी मैंने आज तक इनको कभी नहीं देखा। बाकी मैं इनका पहली बार इनको खेलते वक्त देखूंगी, तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही तो बहुत कमाल का, फिर आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वाह, जोरदार बॉलिंग, एक तो लैंकी स्टाइल था बॉलिंग करने का, एकदम आराम से आगे से करना, और बॉल इतनी ज्यादा होनी, उनको समझ ही ना बैठे उनको बॉल कहाँ से चली गई। ओह तेरी भाई, स्विंग तो देखो, बेस्ट बॉलर Have ever seen. और बैट्समैन भी मजाक नहीं है, राहुल द्रविड़ हो गए, वीरेंद्र सहवाग हैं, ये कमाल की स्विंग यार। वाह, विकेट भी उड़ कर ही गई कर देना वैसा कह सकते हो आप। बड़े जबरदस्त प्लेयर जो होते हैं ना, वो ऐसे स्कैंडल में फंस जाना बहुत बेकार चीज है। इतना जबरदस्त टैलेंट, ओए होए, सचिन तेंदुलकर को बीट करना इस तरीके से, क्या बात है यार। सचिन भी उस टाइम पे पिच में देख रहे थे कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है इतना ज्यादा। ये तो चलो बॉल भी थोड़ी नीचे ज्यादा रह गई। एबी डिविलियर्स हार्डेस्ट बॉलर आई एवर फेस्ड। वाह, ओए ओए, वो लीव कर रहे थे, क्या बात है, वाह वाह। सोचो उनको लगा होगा कितनी बाहर की बॉल है, और डिविलियर्स ही है। क्या जबरदस्त इन स्विंग हुई है यार, वाह, बहुत टैलेंटेड थे। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के सामने भी बिल्कुल, जितने टाइम तक खेले बहुत कमाल किया। ये बॉल स्टंप पे लगी कैसे, केविन पीटरसन मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर आई हैव फेस्ड। वाह, एंड्रू स्टॉस को भी बीट किया है स्विंग से यार। सब बैट्समैन का यही है, आउटर का 2 मिनट देखते हैं ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं तो वो लाइन में खेल रहा था, ये इस लाइन की बॉल कैसे आ गई, जोरदार। न्यूजीलैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में तो उनको मजा ही आता होगा, वहां तो बॉल एक्चुअली स्विंग भी अच्छी होती है। वाह, ओ तेरी, जोरदार यार, इतने बड़े गैप से आउट करना। केविन पीटरसन जोरदार, ये तो गया। वही एक इंग्लैंड का टूर ही था जिसमें इनका फिर नाम खराब हो गया था, वरना तो यार कमाल की बॉलिंग करते थे, मजाल नहीं थी कोई इनको देख पाए। अगर एक पैरेलल वर्ल्ड में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर अगर इस तरीके से नहीं गए होते
तो 2010 से 15 या 20 तक तो भाई पाकिस्तान का टाइम होता है इस तरह। जितनी तारीफ करो उतनी ज्यादा कम है मोहम्मद आसिफ की। इतनी कमाल की उनकी बॉलिंग थी, इन स्विंग हो गई, आउट स्विंग हो गई, बहुत शानदार बॉलिंग करते थे। लाइक वो लेफ्ट हैंडर्स हो गए, एंड्रू शॉस हो गए, सब हो गए, इस तरीके से बीट हो रहे हैं, लाइक उनको समझ नहीं आ रहा। और वही हम बात करते हैं कि हर बैट्समैन जो है ना खड़ा होकर देख रहा था कि भाई मैं तो इतनी बाहर की लाइन खेल रहा था, थोड़ी मोटी स्विंग होती समझ आता, ये क्या हो गया, एंड इस तरीके से मैं बोल्ड हो गया। वहाँ पर इतनी कमाल की बॉलिंग की गई है, सहवाग हो गए, द्रविड़ हो गए, बहुत ही शानदार बॉलर थे। बस यही था कि एक सैड हिस्ट्री बन के रह गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक वो जो एक गलत उनके ऊपर धब्बा लग गया, उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो वापस आ नहीं पाए उसके बाद, और उस चीज के बाद कौन कैसे वापस आ सकता है, तो वही चीज थी, वरना तो वो बहुत ही शानदार क्रिकेटर थे। और सीरियसली मतलब जैसे वो खेल रहे थे मुझे तो देखकर मजा आ गया, और इवन जैसे विकेट उड़ा रहे थे ना ये, हाँ मजा आ गया। और इवन इन्होंने ना टेस्ट भी बहुत कम खेल रखे, लाइक जितना मुझे पता है 44 इन्होंने टेस्ट खेल रखे, और ODI भी इन्होंने 30-40 के बीच खेले, लेकिन इन्होंने जितना खेला है बहुत ही कमाल का खेला है। इनको इवन देखकर ऐसा भी नहीं लगता है कि लाइक यार कोई छोटा प्लेयर ऐसे खेल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेयर खेल रहा है। मतलब मज़े आ गए थे वीडियो को देखकर। जैसा कि तुमने बोला कि अगर मतलब इन पर ये धब्बा नहीं लगता तो सीरियसली पाकिस्तान का नाम ही नाम होना था। बहुत ही कमाल के प्लेयर थे। तो आप लोग ज़रूर बताया कि मोहम्मद आसिफ को लेकर आपकी क्या ऐसी मेमरीज हैं जो आप याद रखते हैं कि लाइक ये कमाल की बॉलिंग था, ये स्पेल बहुत शानदार था, एंड वो ज़रूर शेयर कीजिए। बिकॉज ऐसे बॉलर्स का वही रह जाता है, बिकॉज उनकी कहीं ना कहीं वो जो काम खराब हुआ उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेमरीज नहीं रह जाती है। तो आप लोग कैसे लगा ज़रूर बताएगा, और लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।